In this video we will cover the topic of coding and decoding. Okay, coding and decoding. इस पे बेस जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. तो देखिए हमें क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड अगर हमें समझना है तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको कोड किया जाता है इन डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और उनको सोल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स होती है. तो हमें उनको कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन समझना है. ओके, कोडिंग कैसे की जाती है उनकी और डिकोडिंग कैसे की जाती है. अब आप जनरली इस टॉपिक में कुछ थियोरटिकल पार्ट तो है नहीं, तो हम डेफिनेटली जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको समझते हैं, तो आप अप्रोच समझ पाएंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग में किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता है, देन अगेन उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिकोड किया जाता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लैंग्वेज के ऊपर बेस. तो देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज के हिसाब से कोडिंग की हुई है. तो देखिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, ये कुछ वर्ड्स है, कुछ सेंटेंस है, क्यो एग्जेस हुमा डिको. ओके, इसका मतलब क्या है, सी इज ईटिंग एप्पल्स. मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, सी इज ईटिंग एप्पल. ओके, अगर एक नया सेंटेंस और हमें गिवन है, क्यो टिपो कुआ मीन्स सी सेल्स टॉयज. ओके, सी सेल्स टॉयज. ओके, तो ये आपको पता है. देन एक और इन्फॉर्म, एक सेंटेंस और गिवन है, स्यू लिम डिको. तो इसका मतलब क्या होता है, आई लाइक एप्पल. ओके, ये आपको तीन सेंटेंस गिवन है, एंड तीन सेंटेंस को जो इंग्लिश में किस तरीके से उनका मतलब है वो भी आपको गिवन है. तो आपसे पूछा गया है कि जो लैंग्वेज, जो वर्ड्स है उस लैंग्वेज में, उसमें सी कौन सा वर्ड होगा और एप्पल कौन सा वर्ड होगा. उस लैंग्वेज में सी को क्या बोला गया और एप्पल को क्या बोला गया. तो देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशंस है, तो हम इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं इसके कोड्स के थ्रू. तो देखिए आपको सी इज ईटिंग एप्पल्स, अब हम जो सेंटेंस गिवन है वो लिखते हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है वो है क्यू एग्जेस ह्यूमा. ओके, इसका मतलब क्या है, आपके पास सी इज, ये आपके पास सेंटेंस जो पूरा सेंटेंस है वो थोड़ा मिस हो गया, तो आपके पास जो पूरा सेंटेंस है वो क्या है, क्यू एग्जेस ह्यूमा डिको. ओके, ये आपके पास सेंटेंस है और इसका मतलब क्या है, सी इज ईटिंग एप्पल. ओके, अब जरूरी नहीं है इसमें जो लास्ट वर्ड है इसका मतलब एप्पल ही हो या फिर सी का मतलब क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अलग वेरिएशन हो सकता है, कि हो सकता है एग्जिस्ट का मतलब ही सी हो सकता है, होमा का मतलब, कि इंग्लिश में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि फर्स्ट आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, देन वो आपका जैसे आपका आना चाहिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, उनकी एक फॉर्म होती है. तो ऐसे ही आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जरूरी नहीं है कि उस तरीके से रूल्स, जो ग्रामेटिकल रूल इंग्लिश में यूज हो वो इसमें हो, इसमें डिफरेंट वेराइटी से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि सब्जेक्ट पहले ना आए, देन जो इजारे में बाद में वो नहीं आए, देन जो हेल्पिंग वर्ब से मतलब वो बाद में उल्टी उल्टी हो सकती है, तो इसमें वो डिफरेंट. तो आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, तो आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को लिख लेंगे. देन सेकेंड सेंटेंस आपको गिवन क्या है, वो है क्यू टिपो क्यूआ. ओके, की टिपो क्यूआ, इसका मतलब क्या है, सी सेल्स टॉयज. ओके, सी सेल्स टॉयज, है ना. एंड जो थर्ड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जो थर्ड सेंटेंस वो आपको गिवन है, शू लिम डिको. ओके, शू लिम डिको. ओके, इसका मतलब भी आपको गिवन है, शू लिम डिको, इसका मतलब होता है आई लाइक एप्पल. ओके, आई लाइक एप्पल, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये जो था वो डिको था. ओके, डिको था. ओके, तो देखिए आई लाइक एप्पल, इसका मतलब ये आई लाइक एप्पल्स. अब देखिए अब हमारे पास तीन सेंटेंस है और हमें सी और एप्पल्स वर्ड को पकड़ना है. तो देखिए सी वर्ड्स आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस में, सेकेंड वाले सेंटेंस में दिख रहा है, दिख रहा होगा. तो देखिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में सी वर्ड्स है और सेकंड में भी सी वर्ड्स है. तो देखेंगे हम इसमें से, हम पता करेंगे कि इनमें ऐसे कौन से वर्ड्स है जो कॉमन है. तो देखिए केवल क्यू वर्ड ऐसा है, क्योंकि देखिए सी वर्ड, इस वर्ड में, इस लाइन को अगर आप देखेंगे और इस लाइन को आप देखेंगे तो सी वर्ड दोनों में कॉमन है, बाकी डिफरेंट वर्ड है. तो इसमें भी दो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कॉमन होंगे. ओके, तो वो जो क्यू वर्ड्स है वो दोनों में कॉमन आ रहा है. ओके,
तो क्यू वर्ड्स है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो सी वर्ड है इसका मतलब उस लैंग्वेज में क्यू वर्ड्स होगा। ओके, ये आपने पता कर लिया कि जो सी वर्ड है, सी वर्ड्स के लिए आपका उस लैंग्वेज में क्या वर्ड होगा, क्यू वर्ड होगा। देन अगर आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड में देखिए, क्योंकि फर्स्ट में एप्पल वर्ड आ रहा है और थर्ड में भी एप्पल वर्ड आ रहा है, और बाकी देखिए सारे वर्ड डिफरेंट है। इसमें आई लाइक आ रहा है, इसमें सी चीटिंग आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। एप्पल वर्ड आपको दो अलग अलग सिमिलर सेम कॉमन वर्ड आ रहा है इंग्लिश के हिसाब से, तो इसमें भी कुछ वर्ड्स कॉमन आ रहे होंगे। तो देखिए इसमें केवल डिको वर्ड ऐसा है जो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखते हैं, बाकी देखिए सेम नहीं आ रहा। इट मीन्स जो एप्पल है, एप्पल्स है, इसको उस लैंग्वेज में डीको बोला जाता है। इसमें इसका मतलब ये है कि इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन की कोडिंग और डिकोडिंग पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको एज फास्टेस्ट आपको उसको इन्फॉर्मेशंस को डिकोड करना, किस तरीके से कीवर्ड्स को हाईलाइट करके हमने उनको डिकोड किया है, जो प्रोसीजर यूज किया वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, होपफुली आप समझ पाए, और इस पर बेस आप क्वेश्चन कीजिए। अब हम कुछ और वेराइटी ऑफ किस तरीके से कोडिंग होती है उन पर भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं और उनको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एच यू ए, देन जो नेक्स्ट है जी टी जेड, देन जो नेक्स्ट है एफ एस वाई, देन जो नेक्स्ट है ई आर एक्स, इस वे में आपको इन्फॉर्मेशंस गिवन है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, अब आपको जो इसके बाद में क्या आएगा वो आपको बताना है, इनके बेसिस पे इसके बाद में जो क्या आएगा वो डाटा आपको बताना है। ओके, तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, लेटर्स की हेल्प से पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा पैटर्न जनरली इसमें यूज हो रहा है, कौन सा इनमें पैटर्न यूज हो रहा है, कुछ रिपीटेशन हो रहा है या फिर कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है, वो सिमिलरिटीज़ आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, डेफिनेटली आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो अगर देखिए अगर हम इन वर्ड्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखिए एच यू ए है फर्स्ट वर्ड, ओके एच यू ए है फर्स्ट वर्ड, ओके देन जो सेकेंड वर्ड है वो आपको दिख रहा है जी टी जेड दिख रहा है, थर्ड वर्ड आपको एफ एस वाई दिख रहा है, और फोर्थ वर्ड आपको ई आर एक्स दिख रहा है, देन जो वर्ड है आपको पता करना है। ओके, तो देखिए अब आप इसमें इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का पर्टिकुलर पैटर्न इसमें चल रहा है। अब देखिए अगर आप समझेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हैं, तो आप ये देख ऑब्जर्व अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से ऑब्जर्व करिए कि इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो एच है, और जो सेकंड वर्ड इस लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है जो जी है, और इस लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है वो एफ है, और जो इस लाइन का फर्स्ट वर्ड है वो ई है। तो अगर आप देख रहे हैं तो एक तरीके से इसमें से अगर आप -1 मतलब एक कैरेक्टर पीछे चलते हैं, एक कैरेक्टर से आप पीछे चलते हैं, तो इसमें भी आप एक कैरेक्टर पीछे चल रहे हैं तो नेक्स्ट वर्ड आपको मिल रहा है, इसमें भी आप एक कैरेक्टर पीछे चल रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वर्ड मिल रहा है। इट मीन्स इसमें भी एक कैरेक्टर पीछे चलेंगे तो आपको नेक्स्ट वर्ड मिलेगा, इट मीन्स जो वर्ड स्टार्ट होगा वो डी से स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो आपने पता कर लिया, डी आपका आएगा। सिमिलरली आपने जब इसको ऑब्जर्व किया नेक्स्ट लाइन को, तो नेक्स्ट लाइन में देखिए यू है, टी है, एस है एंड आर है, तो आपको ये पता करना है। देखिए यू टी टी एस एस आर, ये भी आपको वापस -1 -1 कैरेक्टर पीछे हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब आप समझ के दीजिए, जो आपको यहाँ पे वर्ड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा वो आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, क्योंकि एक वर्ड पीछे करेंगे तो क्यू आएगा, तो ये आपको क्यू मिल गया। देन सिमिलरली अगर अगर आपको दो वर्ड अगर पता लग गए हैं तो आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी क्यू एक साथ आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो वो आपका करेक्ट हो गया। बाकी अगर आप इसमें भी चेक करेंगे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, तो होपफुली हो सकता है कि पैटर्न हो वो केवल दो में ही लग रहा हो, तीसरे में पैटर्न लग ही नहीं रहा हो, तो आपको बस अगर आंसर मिल जाता है तो आपको आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना इसके ऊपर। ओके, तो इस तरीके से मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन को डिकोड किया है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिकोड होते हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें किस तरीके से सोच रखनी है। वो जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ऐसे थिंकिंग अवेलेबल हो जाएगी और आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है कि डी जे फर्स्ट है, देन सेकंड में जी जे, देन थर्ड में के एम, देन एन क्यू, देन आर टी। अब आपको पैटर्न समझना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड आपको डी जे दिया हुआ है, देन सेकंड वर्ड आपको जे जी दिया हुआ, जी जे दिया हुआ, देन आपको के एम एन क्यू एन आर
टी गिवन है और देन आपसे ये वर्ड पूछा गया है। तो देखिए अगर आप पता कर पा रहे होंगे तो देखिए जो इसमें सिमिलरिटी क्या आ रही है, सिमिलरिटी आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है उसको आप पता करने की कोशिश कीजिए। ओके तो देखिए इसमें आप पता कर पा रहे होंगे, तो देखिए जो डी है और जो एफ है इनके बीच में एक वर्ड मिस हो रहा है ई। ओके मान लीजिए एक वर्ड मिस हो रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड मिस हो रहा है। देन अगर आप ये पैटर्न समझेंगे तो इसमें भी एक वर्ड आपका मिस हो रहा है। ओके देन अगर आप के और एम के बीच में भी देखेंगे तो एक वर्ड मिस हो रहा है। देन एन एंड क्यू के बीच में देखेंगे तो भी एक वर्ड मिस हो रहा है, और आर और टी के बीच में भी एक वर्ड मिस हो रहा है। ओके तो यहाँ पे भी जो वर्ड होंगे उनमें एक वर्ड मिस होकर नया वर्ड आएगा। ओके तो देखिए यू वी डब्ल्यू ये भी हो सकता है, वाई जेड ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स वाई जेड ये भी हो सकता है, और यू के ये पॉसिबल नहीं है। तो दो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे आपके, बचे दो ऑप्शन में से आपको चेक करना है। अब देखिए नेक्स्ट अप्रोच क्या है कि डी है, डी के बाद ई एफ, एफ से रेगुलर वर्ड आ रहा है। अब देखिए जो इधर से आप अगर समझ पा रहे होंगे तो एफ के जस्ट नेक्स्ट वर्ड ये वाला है जी, देन जे के जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड ये है, देन एम के जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड ये है, और क्यू के जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड ये है, तो टी के जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड यहाँ पे आएगा। तो वो क्या होगा आपका, टी के नेक्स्ट वाला ये वर्ड क्या आएगा आपका यू, और एक वर्ड अगर आप छोड़ेंगे तो वी आपने छोड़ा तो नेक्स्ट वर्ड होगा आपका डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो होगा यू एंड डब्ल्यू। ओके तो देखिए इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया है, तो होपफुली आप इसको समझ पाए। तो देखिए लाइक दैट आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से गिवन हो सकती है, आपको आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को यूज़ करना है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को यूज़ करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना है। इनका कोई प्रोसीजर नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं आपको वहीं सोचना पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से हम डील करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको नया ना लगे। ओके तो देखिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे मैं आपको, अगर जो गिवन डाटा है वो आपको इस तरीके से है कि सी जे एल और आर है, तो इसके जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा। जो ऑप्शन आपको गिवन थे वो आपको गिवन थे वाई, और दूसरा जो ऑप्शन था वो आपको गिवन था एस, और जो तीसरा ऑप्शन आपको गिवन था वो था यू, एंड जो चौथा ऑप्शन आपको गिवन था वो था जेड। ओके तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, तो इसके बेस पे आपको सोल्व करना है। अब देखिए अगर आप समझ पाएंगे तो देखिए आपको बस पैटर्न समझने की कोशिश करना है। तो हम जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो क्या है, सी जे एल आर, ओके और यहाँ पे क्या आएगा। ओके तो अगर आप यहाँ से समझ पा रहे हैं तो इनके बीच में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सी के बाद डी ई एफ, तीन वर्ड इसमें मिस हो रहे हैं। देन अगर आप मान लीजिए इसके बीच में और इसके बीच में जाएंगे तो आपको मिलेंगे एच आई जे एंड के, चार वर्ड आपके बीच में मिस आ रहे हैं हो रहे हैं। ओके देन आप एल से आर के बीच में जा रहे हैं तो देखिए के एल एम एन ओ पी क्यू, मतलब पांच वर्ड आपके मिस हो रहे हैं। तो इस पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो अगली बार आपके छह वर्ड्स होंगे जो मिस होंगे। तो देखिए आर के बाद क्या आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओके तो सिक्स वर्ड आपके मिस हो गए, इट मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो वाई आएगा। ओके इट मीन्स इसका आंसर आएगा जो वाई आएगा, क्योंकि जो सिक्स वर्ड मिस करने के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो वाई है। ओके तो देखिए इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने सोल्व किए, 3 to 4 क्वेश्चन हमने सोल्व करने की कोशिश की है विद लैंग्वेज बेस्ड भी, और विद ऐसे अगर आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन हुए हैं, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन गिवन है तो उनको कैसे कोड करना है, कैसे उनको डी कोड करना है वो हमने समझने का ट्राई किया है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें 3 देन 4 का गैप आ रहा था, देन 5 का गैप आ रहा था, देन 6 का गैप आ रहा था, तो हमने उनको समझा है कि सी और जे उनमें कितने का गैप आ रहा है। आपको वही सोचना पड़ेगा कि सी और जो जी है उनमें कितने का गैप आ रहा है, और जी और जो एल है उसमें कितने का गैप आ रहा है। तो वो उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, फिर समझना है कि इस हिसाब से आगे जो वर्ड होगा वो क्या हो सकता है। ओके तो इस तरीके से आपको अप्रोच क्वेश्चन करनी है, और ये अप्रोच आपकी तभी डेवलप होगी जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे मेडिजी के टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तब भी आपको दिखेंगे, सीबीटी में भी दिखेंगे, और गेट में भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में, गेट के अलावा काफ़ी सारे एग्जाम में ईएससी में भी बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग सब डाटा चेंज होते हैं। तो होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, और जो 2 से 3 क्वेश्चन हम सोल्व किए थे उसके बेस पर आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी हुई है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जा रहा है। ओके तो आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, एंड जिससे आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होए, एक्यूरेसी इंक्रीज होए, और आपकी जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होए। ओके तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा आप इन क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। ओके तो थैंक यू सो मच एंड स्टे फोकस, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है इसमें भी, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, देन वहां पे आप अपना डाउट पब्लिश कीजिए, और जो भी अगर आपको डाउट
डाउट आ रहा है उसको वहाँ पे डिस्कस कीजिए और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने कीजिए। डाउट जब आता है उसको तुरंत क्लियर करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जो मिस हो गया है एप्टीट्यूड में, तो आप हमें इन्फॉर्मेशन दें, हम कोशिश करेंगे उनको कवर करने की। ओके, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे फोकस।